प्रश्न। जब मैं ध्यान लगाने की कोशिश करता हूँ, मन भटकने लगता है। मन को भटकाव से बचाने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? स्वामी चिदानंद। ये बहुत पुराना प्रश्न है। ध्यान में जाने के लिए मन का भटकना मुख्य बाधाओं में से एक है और माया की सबसे बड़ी अभिव्यक्तियों में से एक है, जिसे विक्षेप शक्ति कहा जाता है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण के सामने ये प्रश्न रखा था। ये मन बहुत अस्थिर है और मन को एक ही लक्ष्य पर केंद्रित करना उतना ही कठिन है जितना हवा को बांधना। वहाँ भगवान कृष्ण ये नहीं कहते कि यह आसान है। उन्होंने माना कि इस मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन है, और फिर भी दो चीज़ों से मन पर जीत हासिल किया जा सकता है। पहला है वैराग्य और दूसरा है अभ्यास। आमतौर पर मन निकलता है और खुद को उस चीज़ पर चिपका लेता है जिस चीज़ से उसे लगाव है। इंसान खुशी और आनंद चाहता है और उसे लगता है कि ये सब उसे बाहरी दुनिया से हासिल होगा, इसलिए बहुत सारी चीज़ मन को आकर्षित करते रहते हैं। इसलिए मन दौड़ता है एक लगाव की चीज़ से दूसरी लगाव की चीज़ की ओर, फिर तीसरी, चौथी, और ऐसे ही दौड़ता है। पहली बात, ये पूरी तरह गलत धारणा है कि बाहरी वस्तुओं में आनंद है। इसे समझने के लिए चिंतन की ज़रूरत है। चिंतन करने से मन को धीरे धीरे पता चलता है कि आनंद बाहरी चीज़ों में नहीं है। वो मन को कहता है, बाहर मत जाओ, अंदर अनंत आनंद मौजूद है, भीतर जाओ। चिंतन से मन को ये भी पता चलता है कि दुनिया दुखों से भरा है। वास्तव में इस दुनिया में एक भाग सुख में 15 भाग दुख मिला हुआ है, और सुख भी कल्पनात्मक सुख है। वो सुख ऐसा होता है जैसे खुजली को खुजलाने में होता है। एक कुत्ता एक हड्डी को चबाता है और खुद को दर्द पहुंचाता है। वो हड्डी कुत्ते की अपनी तालू से टकरा के खून निकाल देता है, और कुत्ते को लगता है हड्डी में से खून निकला है। उसे देख के वो खुश होता है। क्या ये वास्तव खुशी है? हमारी इंद्रियों द्वारा लिया हुआ सुख, बाहरी दुनिया की सुख ऐसा ही होता है। चिंतन से हमें ये चीज़ दिखाई देती है। चिंतन से मन अंदर जाना शुरू कर देता है। उसे भौतिक वस्तुओं के प्रति वैराग्य आने लगता है। अंदर केंद्रित होना आसान हो जाता है। जब मन अंदर जाना शुरू करता है, मन अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में समर्थ हो जाता है। इसके लिए अभ्यास की ज़रूरत है। मन में पुराने संस्कार होता है, बाहर चले जाना मन का स्वभाव है, इसलिए सकारात्मक सोच का अभ्यास करना पड़ेगा। पतंजलि योग सूत्र में अभ्यास का मतलब लगातार अभंग प्रयास और लंबे समय तक करने को बताया गया है। अगर ये चीज़ करते हैं, जरूर आपको परिणाम दिखाई देगा। एक दिन मन बिना भटके लक्ष्य पर केंद्रित हो पाएगा, संपूर्ण ध्यान विकसित हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। प्राणायाम से भी मन को शांत करने में बहुत मदद मिलती है। ये बात बहुत ज़रूरी है कि कभी भी निराश मत होना। मन धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ने लगेगा। अगर मन 100 बार बाहर जाता था तो कुछ दिन अभ्यास करने से 99 बार जाएगा। ऐसे ही धीरे धीरे आप पूरी तरह मन को नियंत्रित कर पाओगे। और एक बात, अपने लक्ष्य के लिए गहन और गहरी प्यार को विकसित करना अनिवार्य है।